चूरू जिले में आज टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता और विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सादलपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले और भाग लेने वाले लगभग 20 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में इन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और युवाओं से खेलों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और सादलपुर विधायक पद्मश्री कृष्णा पूनिया ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश के मान के साथ राजगढ़ की धरती का भी मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी रवि दहिया, बजरंग पूनिया और सविता पूनिया जो होगी की कप्तान और कमलप्रीत फाइनलिस्ट पहुंचने वाले और राजस्थान के जो खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट किया उन सबको हम सबके लिए हमने सम्मान समारोह सर्व समाज की तरफ से रखा, जिसमें से खिलाड़ियों को प्राइज मनी के साथ साथ उन्हें सम्मान देने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ वीरेंद्र पुनिया जी का और कृष्णा पुनिया जी का जिन्होंने यहाँ पे सभी खिलाड़ियों को बुला के सम्मानित किया है और बड़ा अच्छा लगता है जब खिलाड़ियों को ऐसे मान सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है। देखो जी, बहुत ही अच्छा लगा और इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया हमारे को, मैम ने बुलाया तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे राजगढ़ के युवाओं को और सबको कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक प्रोग्राम रखा और इस तरीके से एक सम्मान और हमारे को बुलाया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार नहीं आया, अगली बार एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छी बात लेके साथ में चलो, पूरी वही छोड़ दो, मेरा ये मानना है। तो अगली बार पक्का मैं उम्मीद करती हूँ मेडल लेके आऊंगा। सिर्फ ओलंपिक खेलने का सपना नहीं होता, ओलंपिक जीतने का सपना रखना चाहिए और जितनी मेहनत करोगे उतनी आगे जाओगे। मैं बहुत खुश होंगी अगर इनमें से एक भी बच्चा मुझे अगर दिखेगा और मुझे लगता है एक नहीं बहुत सारे लोग मुझे देखने को मिलेंगे इंडिया कैंप में। हॉकी का जो मेंस टीम का रिजल्ट रहा है या वुमेन्स टीम का रिजल्ट रहा है, वहाँ पे हॉकी का रीबर्थ हुआ है और हमें वो कंटिन्यू मान सम्मान मिल रहा है, तो अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को हम कंटिन्यू रखें। जो अपकमिंग नेक्स्ट ईयर के टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, वर्ल्ड कप है, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है और पेरिस ओलंपिक्स है, तो उसमें हम मेडल लेके आएंगे।